जलदाय विभाग के निजीकरण का जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में अलवर और खैरथल तिजारा के कर्मचारी शामिल हुए। अलवर जलदाय विभाग कार्यालय में मुख्य अभियंता ललित करोल व सुनील गर्ग के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनता की सुविधाओं का हवाला देते हुए सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ पानी की समस्या को लेकर सवाल पूछा तो कुछ अलग ही अंदाज में अपना बचाव करते नजर आए। अधिकारियों से लेकर के और अधिकारियों तक सब एक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये RWSSC का जो सरकार ने आदेश जारी किया है इसको वापस लेने की मांग को लेकर के हम अपना शांति प्रिय आंदोलन सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आवाज़ को कि ये जो है इसकी भविष्य की चिंताएं हैं, उन चिंताओं के सरकार मंथन करे। कर्मचारियों का आगे भविष्य क्या रहेगा, कर्मचारियों की पेंशन तनख्वाह इत्यादि की क्या रहेगी स्थिति, और फिर साथ ही जो है ये पब्लिक से जुड़ा डिपार्टमेंट है उसमें पब्लिक में भी पानी की दरें क्या रहेंगी। आगे सरकार की मंशा है कि निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है सरकार। निगम स्वतः ही देखो, जब निगम बनाने की ओर है तो इसमें धीरे धीरे सरकार की स्थिति यही है कि इसको जो है प्राइवेट की तरफ जाने की तरफ क्या रहेगा विरोध करता। हमारी तरफ से अभी शांति प्रिय ये आंदोलन चलेगा और सरकार तक हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं मानी गई तो आगे क्या रहेगा? नहीं, सरकार को हम अपनी पूरी तर्कसंगत बातें रखेंगे, सरकार ध्यान देगी हमारी बातों पर। तो इस तरह से हमारा आंदोलन जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, सरकार का सकारात्मक रुख नहीं आएगा, तो हमारा सांकेतिक धरने इत्यादि जो है चलते रहेंगे।